मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता। अभी तक हमने केवल दो बाजारों का ही अध्ययन किया, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार। परंतु 1933 के अंदर इंग्लैंड की अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने हमें बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार दोनों ही स्थितियां जो हैं बाज़ार की वास्तविक स्थितियां नहीं हैं। बाज़ार की वास्तविक स्थिति एकाधिकारी प्रतियोगिता है, जिसमें दोनों ही बाज़ारों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता भी है और एकाधिकार भी है। और यह बाज़ार की वास्तविक स्थिति है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के कई रूप हैं, अल्पाधिकार, द्वैधाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता आदि। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाज़ार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक विशेषता है कि सभी विक्रेताओं की वस्तु अलग होती है या वस्तु विभेद पाया जाता है। जितने भी विक्रेता वस्तुओं को बेच रहे हैं उनमें किसी न किसी रूप में विभेद पाया जाता है, उनके ब्रांड के नेम के अनुसार, ट्रेडमार्क के अनुसार, गुण व भेद के अनुसार, पैकिंग तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की प्रतियोगिता के हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे बाज़ार में टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका, क्लोजअप आदि। परंतु हम देखेंगे कि सभी कंपनियों के जो टूथपेस्ट हैं उनका रंग रूप, कलर, पैकिंग, गुण, ट्रेडमार्क सबका अलग अलग होता है। एक तरफ से उनका एकाधिकार पाया जाता है नाम के ऊपर, तथा दूसरी तरफ से उन्हें प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर प्रतियोगिता व एकाधिकार दोनों का मिश्रण पाया जाता है। जहाँ तक एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताओं का हम जिक्र करें तो कई प्रकार की विशेषताएं एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर पाई जाती हैं, जैसे फर्मों तथा क्रेताओं की अधिक संख्या। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी पूर्ण प्रतियोगिता की तरह वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उसी प्रकार से क्रेताओं की संख्या भी काफ़ी अधिक पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता वस्तु विभेद है। वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता है। जितने भी उत्पादक एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर कार्य करते हैं उनकी वस्तुएं किसी न किसी रूप में भिन्न होती हैं, गुण के रूप में, कलर, पैकिंग और उनका रंग रूप सबका अलग अलग होता है। फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण किसी भी फर्म, जब कोई फर्म अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है तो दूसरी वस्तुओं और दूसरी फर्मों की कीमत को भी ध्यान में रखती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश भी कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ भी सकती है। परंतु प्रोफेसर चैम्बरलेन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता में उद्योग के स्थान पर ग्रुप का नाम दिया, क्योंकि समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को ही हम उद्योग कहते हैं। परंतु एकाधिकारी प्रतियोगिता में सभी फर्मों की वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है, इसलिए प्रोफेसर चैम्बरलेन ने उसे ग्रुप का नाम दिया है। एकाधिकारी प्रतियोगिता ही एक ऐसी बाज़ार है जहां पर विक्रय लागत पाई जाती है। अन्य बाज़ारों के अंदर इस प्रकार की कोई भी विक्रय लागत नहीं पाई जाती, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर प्रत्येक फर्म को वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रय लागत को खर्च करना पड़ता है, विज्ञापन के ऊपर, सैंपल के ऊपर और कई प्रकार के
रेडियो टीवी आदि पर वो अपनी एडवर्टीजमेंट देती है, जिसके कारण से उन्हें विक्रय लागत उसके ऊपर खर्च करनी पड़ती है। जहाँ तक कीमत नियंत्रण का सवाल है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता, पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि जब एकाधिकारी फर्में कीमत का निर्धारण करती हैं तो उन्हें दूसरी फर्मों की कीमत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उपभोक्ता को बाजार व वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपूर्ण ज्ञान होता है। वस्तु विभेद पाए जाने के कारण, वस्तुओं के रंग रूप कलर पैकिंग अलग होने के कारण उपभोक्ता जो है ज्ञानवान नहीं होता, वो किसी वस्तु की अधिक कीमत देने को भी तैयार हो जाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक विशेषता यह भी है कि वहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। गैर कीमत प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता कहलाती है जिसमें बिना कीमत को कम किए हुए हम कंपटीशन करते हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के साथ कोई गिफ्ट देकर या वस्तु की अधिक मात्रा देकर हम ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे प्रतिदिन हम इन उदाहरणों को देखते हैं, कहीं पर बिस्किट के पैकेट पर 10% फ्री, या टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री, या 1 किलो वॉशिंग पाउडर के साथ 100 ग्राम फ्री आदि। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्में ग्राहक को बिना कीमत घटाए कोई ना कोई गिफ्ट देकर या अधिक वस्तु देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। थैंक यू।